निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने कहा कि जो युवा साल भर तैयारी करता है, उसे पता चले कि पेपर लीक हो गया तो उसके ऊपर आसमान गिरने वाली बात हो जाती है। भाटी ने कहा कि किरोड़ी लाल मीणा पेपर लीक पर लगातार संघर्ष कर रहे हैं। सरकार का इस पर सख्त कदम उठाते हुए सरकार को मजबूत संदेश देना चाहिए। किरोड़ी लाल मीणा SI भर्ती परीक्षा रद्द करने के लिए सरकार को लेटर भी लिख चुके हैं। उन्होंने लेटर में लिखा कि इतने बड़े फर्जीवाड़े के बाद भी अभी तक भर्ती परीक्षा का निरस्त नहीं होना मुझे और आमजन को व्यथित कर रहा है। कैबिनेट की बैठक में भी पेपर लीक का मुद्दा किरोड़ी लाल मीणा उठा चुके हैं। कैबिनेट की बैठक में मुख्यमंत्री से किरोड़ी लाल मीणा ने कहा था कि युवाओं की बदौलत ही मैं आज मंत्री पद पर हूँ, उनकी मांग उठाना मेरा फर्ज है। SI परीक्षा में जिस तरीके से गड़बड़ियाँ सामने आई है, सरकार को इस परीक्षा को रद्द करने का फैसला करना चाहिए। इसके अलावा किरोड़ी लाल मीणा ने भर्ती प्रक्रियाओं को तेज करने और तबादला नीति को लेकर भी सरकार से जल्द कदम उठाने की मांग की। इस पर मुख्यमंत्री भजन लाल ने कहा कि इस संबंध में जल्दी आपसे अलग से बैठकर चर्चा की जाएगी। इससे पहले किरोड़ी लाल मीणा ने मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा को पत्र लिखकर 2021 में हुई सब इंस्पेक्टर भर्ती परीक्षा को निरस्त करने की मांग की थी, लेकिन क्या रविंद्र भाटी का किरोड़ी के समर्थन में आना महज इत्तेफाक है या फिर रविंद्र भाटी को भी लगने लगा है कि अब इनको BJP के साथ नजदीकियों को बढ़ाना होगा और इसके लिए युवाओं के जुड़े मुद्दे से बड़ा और कौन सा मुद्दों हो सकता है। हालांकि रविंद्र भाटी की राजनीति ही युवा और छात्र नीति के इर्द गिर्द ही घूमती है।